लेके घूमने से होगा, दो ही काम होगा, या तो तुम आतंकी को पालो और नहीं तो पानी। हेलो इंडियंस, आज की वीडियो में समझेंगे कि भारत ने रावी नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक दिया है, जिस वजह से वहां की जनता और सरकारें जो है बौखला गई है। समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको जो इस नदियों के तंत्र को समझना होगा। भारत से कुल 6 नदियों का पानी पाकिस्तान में जाके बहता है। पहली नदी इंडस है, जिसको हिंदी में सिंधु बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इस तरीके से 6 नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाके बहती है। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो इस पूरे नदी तंत्र का नाम जो है सिंधु नदी तंत्र है, क्योंकि इसमें से मेन नदी जो है वो है सिंधु, इंडस है, और सारी नदियां जाकर इसी में मिल जाती है, तो इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए, नदी जिस जगह से निकलती है वह नदी का जो है उद्गम स्थल होता है, और जहां पर जाकर मिलती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो सारी नदियों का जो है उद्गम स्थल होगा और मुहाना होगा। तो इंडस नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जाके अरब सागर में मिल जाती है। उसी तरीके से झेलम नदी बात करें तो जम्मू कश्मीर के वैरीनाग झील से निकलती है और जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ पे चिनाब नदी अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बरालच्चा दर्रा से निकलती है और ये जो है जाके इंडस नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। उसी तरीके से रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी, देखिए व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये जाके पंजाब में ही सतलुज नदी से मिल जाती है, यानी भारत से निकल के भारत में ही खत्म हो जाती है। ये छोटी नदी है व्यास। सतलुज नदी की बात करें तो ये भी जो है चाइना के तिब्बत से निकलती है रक्सताल मानसरोवर से और ये जाके यहाँ पे चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हर एक नदियों का उद्गम स्थल होगा और उसका जो है एक मुहाना होगा जहां पे जाके वो खत्म हो जाती है। इस जो है रावी नदी पे ही जो है पाकिस्तान का लाहौर शहर है। आजादी से पहले ये पूरा जो है एक ही पंजाब था, लेकिन आजादी के बाद पंजाब दो हिस्सों में बट गया, एक आपका पश्चिमी पंजाब और दूसरा पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब भारत में आ गया और पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया। देखिए, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि बोला जाता है। इसमें 5 नदियां पहले बहती थी, लेकिन अब जो है 3 ही नदी भारत में बहती है, 2 नदी जो है पश्चिमी पंजाब में बहती है यानी पाकिस्तान में। देखिए 1948 में क्या हुआ कि ये पूर्वी जो पंजाब है इसने क्या किया, पश्चिमी पंजाब में द्वाब नहर से पानी जाने से रोक दिया, जिस वजह से पाकिस्तान की नानी याद आ गई। और उस समय जो है आजादी के अभी 8 महीने हुए थे, दोनों के बीच में तनातनी चल रहा था, पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से। तो अब उसी समय पाकिस्तान को दिमाग में आया, अरे बाप रे, अभी तो बस एक इसने नहर की पानी बंद किया है तो हम लोग का हालत खराब हो गया, क्या होगा अगर भारत इस पूरे नदियों को ब्लॉक कर दे यहाँ से और इसका पानी जो है पाकिस्तान में न जाए, तब तो हम लोग पूरा भुखमरी से मर जाएंगे, पूरा कुछ खेती होती ही नहीं होगा। उस समय इसको दिमाग आया बकवा को, तब इसने जो है दौड़े दौड़े यूनाइटेड नेशन के पास गया, संयुक्त राष्ट्र के पास गया। ये महाराज देखिए ना, भारत को समझाइए कि वो जो है हम लोग के साथ बातचीत करे और इस पानी को जो है न रोके। तब जो है 1960 में एक समझौता होता है, सिंधु पानी समझौता। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है दोनों से हस्ताक्षर कराया जाता है। और इस समझौता में देखिए क्या कहा गया था कि जो ऊपर से 3 नदियां है, सिंधु, उसके बाद जो है यहाँ पर झेलम और चिनाब, इस 3 नदी के पानी को जो है भारत रोक नहीं सकता, स्टोर करके इकट्ठा करके नहीं रख सकता है। हाँ, भले इसे बिजली बना सकता है यानी ये पाकिस्तान में बहेगी, लेकिन जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इसके पानी को जो है भारत चाहेगा तो मोड़ सकता है, पाकिस्तान में जाने से रोक सकता है, इस पे जो है जो भी करना है, डैम बनाना है बना सकता है। तो 1979 में पंजाब की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में एक समझौता होता है कि हम लोग रावी नदी पर रणजीत सागर डैम बनाए और शाहपुर कांडिया बैराज बनाए, जिस वजह से इस पूरे रावी नदी के पानी को पाकिस्तान में न भेजकर हम लोग जो जम्मू कश्मीर और पंजाब की सिंचाई के लिए उपयोग किया है। अब जो है ये तो बनकर तैयार हो गया रणजीत सागर डैम 2001 में पूरा कंप्लीटली रूप से। अब मामला फंस गया इसका, शाहपुर कांडिया बैराज का। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने जो 1995 में इसकी आधारशिला रखी और इसका भी काम स्टार्ट हो गया, शाहपुर कांडिया बैराज। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरकार के बीच में मनमुटाव हो गया पानी को लेकर। इसका जम्मू कश्मीर की सरकार कहती थी कि हमको जो इसका पानी का 0.69 MAF यानी मिलियन एकड़ फुट जो है पानी चाहिए और इसकी इस पे जो है नजर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पड़ती है।
2018 में कहते हैं बाप रे ये मामला है कि तो पाकिस्तान से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस टाइप के मामला को हम ज्यादा जल्दी सुलझाते हैं। तब इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरकार को बुलाया और कहा कि आप लोग समझौता कीजिए, और तब जाके समझौता हुआ। पंजाब ने कहा कि हम जो है और यहाँ पे जो भी बिजली बनेगी उसका 20% बिजली ही जम्मू कश्मीर को देंगे और आपको इतना पानी देंगे। तो अब जो एग्रीमेंट हुआ 2018 में फिर से, और इसका जो है पूरा काम जो है ये बनकर तैयार हो गया 2024 में, अभी 25 तारीख को ही ये सारपुर कांडिया बैराज जो है बनकर तैयार हो गया। जो है पानी जम्मू कश्मीर के काठुआ और सांभर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, वहां पे सिंचाई के लिए जो सुविधा हो जाएगी। और ये जो सारपुर कांडिया बैराज बना है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे बना है, और जहाँ पे पठानकोट है पंजाब का, तो इससे जो है 206 मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस होगा। तो पाकिस्तान के जनता का कहना है कि भारत ने रावी नदी का पानी को रोककर सिंधु पानी समझौता के साथ उल्लंघन किया है। तो हम इस तरफ से कहना चाहेंगे कि अरे बोका है तुम सब, तुम लोग को अभी बताए ना हम कि सिंधु नदी जो है समझौता जो है इसमें तीन नदी के ही पानी को जो है केवल छोड़ा था। तीन नदियां तो भारत की जो है अपना बपौती थी, इसके साथ भारत कुछ भी करे तो तुम लोग पढ़ता लिखता तो है नहीं, चिल्ला रहे हो ऐसे जैसे मुंह में माछी घुस जाएगा। तो पढ़ो लिखो और उसके बाद समझो कि समझौता क्या है, नहीं तो अपने चाचा से पूछ लेना जाकर, कागज पत्र रखे होंगे चाचा जी कि क्या है समझौता, कुछ आता जाता है नहीं। और दोनों में से एक ही होगा, या तो तुम आतंकी को पालो नहीं तो पानी लो। और हम लोग हिंदुस्तानी है, सांप को भी जो है दूध पिलाते हैं, तो पानी क्या चीज है। अगर बांध और बैराज में क्या अंतर होता है तो वीडियो से हम लोग समझते हैं। देखिए ये है बांध, इसमें जो है पूरा पानी को जो है इकट्ठा करके रखा जाता है बांध में, मल्टीपर्पज के लिए होता है, इससे जो है बाढ़ को भी कंट्रोल किया जाता है, बिजली भी प्रोड्यूस किया जाता है और सिंचाई के लिए भी इसका पानी को जो है हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये हो गया डैम। अगर हम लोग बैराज की बात करें, बैराज को देखेंगे तो देखिए ये हो गया बैराज। बैराज से हम लोग नदी के पानी को जो है डाइवर्ट करते हैं, किस दिशा में भेजना है यहाँ से देखिए इसको इस तरह से निकाला जाएगा और पानी जिसमें भेजना है उधर भेजेंगे, लेकिन डैम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही बैराज बनाया गया है सारपुर कांडिया बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे, जिसके वजह से पाकिस्तान जो है पूरा बौखला गया है। तो आई थिंक आपको जो है हम पूरा मामला को समझा दिए कि क्या था ये पूरा मामला, आप समझ गए होंगे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।